शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आज आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का मौका फ्राहम किया। सर मैं बलूचिस्तान के कुछ अहम इशूज़ इस वक्त हैं, एक इशूज़ मैं आपके सामने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस ऐवान के तौसुद से आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूं। सर बलूचिस्तान आपको पता है कि बलूचिस्तान जो सिविक का जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे बहुत कमी है, वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं बिल्कुल जी न होने के बराबर हैं। और दूसरा स्पीकर साहब आपको पता है बखूबी आपके इल्म में है कि गैस के मामले में बलूचिस्तान बिल्कुल जी मेजर प्रोड्यूसर है गैस के। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में खुसूसन कोयटा में और कोयटा के आसपास जो इलाके हैं मुजाफात है वहाँ पे बिल्कुल जी सर गैस का जो प्रेशर है बिल्कुल जी कम है और लोड शेडिंग भी है, लोड शेडिंग भी है और गैस का प्रेशर भी बिल्कुल जी कम है वहाँ पे। आप यकीन जाने स्पीकर साहब, खाना पकाना बहुत दूर की बात है, लोग अगर चाय पकाएं चाय भी उससे पक नहीं पा रहा है, इसलिए कि वहाँ पे बिल्कुल जी गैस की जो प्रेशर है बहुत कम है। जनाब स्पीकर साहब आप न सिर्फ इस हाउस का इस मुकद्दस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भी आप कस्टोडियन हैं। तो मैं चाहता हूँ सर आप इस ऐवान के तौसुद से कंसर्न जो इदारे हैं उनको क्लियर कट ये हिदायत जारी करें कि ये हर साल बलूचिस्तान में जब विंटर का सीजन आ जाता है यहाँ पे गैस की जो प्रेशर है इसमें कमी आ जाता है और गैस की लोड शेडिंग आ जाता है। आपको पता है सर जो जुलाई का अगस्त का जो सैलाब ने जो जिस अंदाज से बलूचिस्तान को हिट किया और सिंध को हिट किया और इसके साथ साथ बाकी जो पाकिस्तान के हमारे एरिया को हिट किया, अभी तक लोग आप यकीन जाने अपने घरों तक पहुंचे नहीं है और लोग बिल्कुल जी ऐसे समझें कि कई मुश्किल और तकलीफ आलात जिंदगी गुजार रहे हैं और इस मुश्किल और तकलीफ आलात में यहाँ से जो विंटर सीजन है और यहाँ पे गैस का न होना इसके लिए इतना परेशान है अस्से ज्यादा। तो मैं चाहता हूँ जनाब स्पीकर साहब कि आज आप एक रूलिंग दे दें और कंसर्न इदारों को ये पाबंद किया जाए कि ये जो बलूचिस्तान का इश्यूज है तो इसको मेहरबानी करना विद इन आवर्स, अगर नहीं होगा तो विद इन डेज सर ये इश्यू हल हो जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं ऑनरेबल मेंबर ने जो ये पॉइंट उठाया है इट्स बीइंग रेफर्ड टू द कंसर्न कमेटी, थैंक यू जनाब अब्दुल अकबर चित्रा।